इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। जब भी आप स्टॉक मार्केट का नाम सुनते होंगे तो एक सवाल जरूर आपके मन में आता होगा कि आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया यानी निवेश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये हर महीने कमाते हैं और 30,000 रुपये आपका महीने का खर्च है, तो इस हिसाब से आपकी मंथली सेविंग 20,000 रुपये रह जाती है। इस एग्जाम्पल को आसान रखने के लिए अभी इसमें हमने इनकम टैक्स नहीं जोड़ा है। अब ये मान लीजिए कि आपकी कंपनी इंप्लॉयज का बहुत ख्याल रखती है और हर साल उनका 10% से इंक्रीमेंट करती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हर साल 8% से बढ़ता है। आप 30 साल के हैं और 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं तो कमाने के लिए आपके पास पूरे 20 साल हैं। रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरीके का काम नहीं करेंगे और आपके खर्च भी नहीं बदलने वाले हैं। हर महीने जो 20,000 बचते हैं वो कैश या नकद के रूप में आपके पास रहते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 साल की मेहनत से आप सिर्फ 1,70,00,000 ही जोड़ पाए, क्योंकि आपके खर्च फिक्स थे तो आपने अपना रहने का तौर तरीका भी नहीं बदला। शायद आपने कई सपने जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, घूमना फिरना जैसे सपने भी दबा दिए। रिटायरमेंट के बाद अगर खर्चे 8% की दर से भी बढ़ते हैं तो 1.7 करोड़ से आपके मोटे तौर पर 8 साल तो निकल ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है क्या करेंगे आप 8 साल के बाद? जब पूरी सेविंग निकल जाएगी, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? क्या कोई तरीका है जिससे 20 साल में हम 1.7 करोड़ की कहीं ज्यादा कमा सकते हैं? अब इस एग्जाम्पल में थोड़े चेंजेस करते हैं। मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपये कैश नहीं रखा बल्कि उन्हें इन्वेस्टमेंट किया एक ऐसे स्टॉक में जहां आपको 12% हर साल रिटर्न देता है। उदाहरण के तौर पे पहले साल में आपने बचाए 2,40,000 और आपने 12% की दर पर इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए और ये रुपये 20 साल में हो जाएंगे 20,67,063 रुपीज़। जो पैसे हर महीने बचते हैं उसे इन्वेस्टमेंट करने से पैसे तेज रफ्तार से बढ़ने लगते हैं और नतीजा दिखता है अच्छी खासी रकम के रूप में। तो अब अगर इसे कैलकुलेट करें 20 साल के बाद आपके पास पहले की तुलना में 1.76 करोड़ की बजाय 4.26 करोड़ रुपये जुड़ जाएंगे, जो कि 2.5 गुने के आसपास है। और इस बढ़त का साफ मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी सुकून से कटने वाली है। अब आते हैं इस सवाल पे जो आज का हमारा टॉपिक था कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इसके मेन रीजंस है, पहला, महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से निपटने के लिए बढ़ती महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू कम कर देती है, तो इन्वेस्टमेंट करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। दूसरा, बड़ी पूंजी जोड़ने के लिए। जो एग्जाम्पल आपको अभी दिया उससे एकदम क्लियर है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटायरमेंट तक आपके पास एक बड़ी रकम जमा हो सकती है। लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं बल्कि इन्वेस्ट करने से और भी बड़े इंपॉर्टेंट काम जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, इस तरीके के काम भी यहाँ पे किए जा सकते हैं। और तीसरा, हम सबको वो बड़े बड़े जो सपने हम देखते हैं उसे भी यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।